फिर बापू सभागार बनाए, ये सब चीज बनाए, लेकिन इनका नामकरण हमने कर दिया इस पूरे कैंपस का बिल्डिंग का उनके नाम पर। तो इसीलिए ये सब चीज तो खैर किया ही है, कर रहे हैं, ताज आए हैं। और पिछले बार भी आप लोग पूछ रहे थे, बता ही दिए थे, ताज आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। सर, सर राहुल गांधी की, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई सर, क्या होगा सर? एक 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 बात सुन लीजिए, आप लोग यंग है और पूछे पालों से पूछ ध्यान से सुनिएगा। आप जान लीजिए कोर्ट का, कभी सुनिए कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए। हम जब से राजनीति में, हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है, अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं। तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं, और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम शुरू से कहते हैं कि चलिए कि सब पर क्या बोलना है। तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है। इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये शुरू से ही है। और कभी भी कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं, बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई, कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार, हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो अब आजकल कुछ बोलते नहीं है, देखते तो हम तो ही करते। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, रिलेटेड था अलग अलग पार्टियों का, और सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हमें कह दिए थे, तो हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी, जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह। तो इसलिए ऐसा नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम मोदी कह रहे हैं जल्दी जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर सीएम मोदी कह रहे हैं कि सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है, कल प्रधानमंत्री ने बोला। अभी देखिए ना क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत है, तो उसमें हमको क्या करना है? वो हमको कोई मतलब है? आ किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं है? आ क्या क्या तरह से? वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं, तो इसीलिए जो हम लोग कम्मा करते हैं उसका कोई खबर आता है।